तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये है पार्ट फाइव। तो जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो यूंगी और चिमन चिमन की किस हुई थी और फिर यूंगी वहाँ से भाग गया था, तो दोनों अपने रूम में, तो वो दोनों भी सोने चले जाते हैं। तो चलिए अब आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं सीन के जो यूंगी होता है वो अपनी मेट्स के साथ हेल्प करा रहा होता है ब्रेकफास्ट बनवाने में सबका। तो सारे वहीं रात को जैसे इन्होंने स्टे किया था तो फिर अब वहीं होते हैं। तो थोड़ा कुछ टाइम बाद सब नीचे आ जाते हैं, इकट्ठे ही आते हैं और ना जैसे ही आते हैं किचन में जो यूंगी होता है वो उन सबको देख के ग्रीट करता है और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। तो फिर जो इनको होते कह रहे हैं हंसना बंद करो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, तुमने ही हमें रात को स्टे करवाया, वरना हमें ये पार्टी क्लोथ्स ना पहनने पड़ते। ये हंस रहे थे और सानो तुमने उसकी तरफ शौक से देख रहे थे। तो फिर कहते हैं कहते और तुम और तो फिर जो इन हो होते कहते हैं हाँ हो तो तुमने आराम से अपने कैजुअल कपड़े पहने हुए, हमें ये पार्टी वाले सूट पहने। तो फिर ना यूंगी हंस रहे थे कहते हैं आई एम सॉरी, वो इस तरह हंस रहा होता है फिर से वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। तो फिर ना वो दोनों भी स्माइल करते हैं और तो नामचिन में से नामचिन कहते हैं कि ना तुम्हें कैसे पता चला कि वो इसलिए हंस रहा, कहते हैं हम इसके सब चाइल्डहुड से थे, हम इसके बारे में अच्छे से पता है। तो फिर ना वो कहते हैं सॉरी यूंगी बोलते हैं। तो फिर ना वो स्माइल करते हैं, कहते आज ब्रेकफास्ट कर लो। तो फिर ना सारे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो फिर यूंगी कहते कहते हैं आप सारे आज फ्री हैं, कहते हाँ हम फ्री हैं। तो कहते आज लेकिन मंडे है ना, तो फिर ना कहते हाँ हम लेकिन फ्री हैं आज सारे, ये फॉर्चुनेटली या फिर एक्सीडेंटली लेकिन आज हम सारे फ्री हैं। तो फिर ना यूंगी स्माइल करते कहते कि ना अगर आप सब बुरा ना माने तो मेरे साथ चलेंगे, कहते कहाँ, कहते कि ना आज पूरा दिन हम फन करते हैं। तो फिर ना कहते मतलब तेन कहता है ना मतलब हम शॉपिंग पे जाएंगे, उसके बाद पहले हम घूमेंगे फिरेंगे फिर शॉपिंग पे जाएंगे, उसके बाद फिर हम अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे एक रेस्टोरेंट में और उसके बाद फिर हम जाएंगे बीच पे। अब बिल्कुल ऐसे रात को और रात का व्यू बीच का बहुत खूबसूरत था। तो और उसके बाद फिर लेक लॉन्ग ड्राइव के बाद फिर रात को घर आएंगे। तो सारे उसका सुनते कहते तो फिर ना मीनू कहते मैं रेडी हूँ। तो फिर इन वो कहते मैं भी रेडी हूँ। तो फिर ना और वो शुगर जी की तरफ देखते कहते मेरी तरफ हमारी तरफ से ना देखो हम भी रेडी हैं। तो फिर ना वो ना सारे जो नाम जिनमें से चिन्ह होता कहते मैं भी रेडी हूँ मैं भी। तो फिर नाते कहते कहते मैं तो ओवर भी रेडी हूँ। तो फिर ना जंगकुक भी कहते मैं भी रेडी हूँ और फिर नामजुन कहते मैं भी। तो फिर जो जेहक और वायन होती वो दोनों इकट्ठे बोलते कहते हम भी रेडी हैं। तो फिर ना सारे ना यूंगी के हस्बैंड यानी चिम और चिम की तरफ देख रहे थे। तो फिर कहते हमारी तरफ ऐसे ना देखो जो हमारे हस्बैंड ने कह दिया तो वही होगा हम भी राजी हैं। तो फिर ये सुन के ना जो यूंगी होते हैं उनके तरफ ना अजीब लुक से देखता है लेकिन ना फिर स्माइल करता है। उसके बाद फिर सारे डन हो जाते हैं। तो फिर कहते हैं ठीक है चलो। उसके बाद जैसे ये सोचते हैं वैसे के वैसे फिर ये सारे जाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं और यूंगी को पता चलता है ये जो जिमर जिमिन के फ्रेंड्स हैं ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और ना उसको भी उनके साथ बहुत मज़ा आता और वो भी अब उनके साथ बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया था और सबसे ज़्यादा अच्छी उसकी बॉन्डिंग हुई थी तेयंग और जिन के साथ। तो फिर और ये देख के इनू और मिनहू को भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे चार ले जाने के बाद अब जो शुगा है जो यूंगी है वो औरों के साथ भी घुल मिल रहा है और वो बहुत अच्छे से रह रहे और बहुत अच्छे फ्रेंड थे ये भी। तो फिर ना वो बहुत खुश होता है और फिर जैसे कि यूंगी ने प्लान किया था तो वो अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं और फिर बाद में सारी जगह घूमते हैं और फिर रात को एक लॉन्ग ड्राइव के बाद घर आते हैं। तो जैसे ही घर आते तो सब बहुत थके हुए होते हैं। तो फिर कहते हैं हमने अब अपने कैजुअल क्लोथ्स ले लिया मैंने। तो यूंगी कहते हैं मैंने आप सबके कैजुअल क्लोथ्स लिए क्योंकि मैंने आप सबके जब आप सब के वो ले रहे थे सब आपका साइज़ ले रहे थे तो मैंने वही सबका साइज़ लेके सबके कैजुअल क्लोथ्स भी कुछ टाइम के लिए ले लिया, अगर आप बुरा ना माने तो हम सब रहेंगे कुछ टाइम तक। तो फिर कहते हैं कि तुम अनकम्फर्टेबल तो नहीं होगे तो देखो दोनों इकट्ठे बोलते हैं कि अगर मैं अनकम्फर्टेबल तो मैं आप लोगों को ना कहता अगर तुम नहीं होगे तो हमें कोई मसला नहीं। तो फिर ना वो नामजिन और ना जेहोप और बायन की तरफ दिखते कहते हमें भी कोई मसला नहीं। तो वो स्माइल करते हैं। तो फिर ना जो यूजी होता है और शो होता है कहते हम फिर चलते कहते कहाँ जाए तो इतना टाइम बाद आया और तुम दोनों मेरे भाई हो और तुम दोनों ब्रदर इन लॉ और सबसे पहले मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तुम लोग तो कहीं नहीं जाने वाले, मेरे फैमिली मेम्बर्स तो मेरे साथ ही रहेंगे और हम सब एक फैमिली और हम सब यहीं रहेंगे। तो फिर ना सारे स्माइल करते हैं कहते तो मैं कहते हैं तो ना यूंगी की आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो फिर ना सारे परेशान हो जाते कहते क्या हो यूंगी कहते एक्चुअली मैं एक स्टार्टिंग से एक हैप्पी फैमिली चाहता था लेकिन अब शायद मुझे मिल गई है और इस वजह से ये बस खुशी के आंसू आए। तो फिर ना सारे जो यूंगी और रिशु होता है वो आता है और फिर ना यूंगी को टाइटली हक करते हैं और वो भी दो तीनों बहुत एक वार्म हक करते हैं जिससे यूंगी को भी बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत अच्छा और कंफर्टेबल फील होता है। फिर ना वो पीछे होते हैं उसके बाद फिर ना सारे वहाँ से चले जाते हैं। तो और सिर्फ वहाँ पे वो तीनों रह जाते हैं, वो कपल यूमिन कपल रह जाते हैं जिम जिमिन और यूंगी। तो फिर ना यूंगी उनकी तरफ देख रहा होता है तो फिर ना चिमिन चिमिन आ जाते हैं कहते हैं लव। तो फिर यूंगी कहते हैं मतलब लव मुझे उस नाम से। तो फिर उन दोनों को अपने हार्ट में पेन होता है कहते हैं यूंगी
हमें एक बात कहनी थी तुमसे, कहते क्या, कहते कल तुम फ्री हो, कहते नहीं मैं नहीं हूँ, कहते ना नहीं तुम हो, हमने तुम्हारी सेक्रेटरी से पूछा था और तुम कल फ्री हो, कहते फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे थे। तो फिर ना कहते कि ना एक्चुअली हम तुम्हें कहीं लेके जाना चाहते हैं, कहते कहाँ, कहते बस हम लेके जाना चाहते हैं तुम्हें एक जगह पे, कहते अच्छा, कहते कि ना इवनिंग में चलेंगे, इवनिंग में प्लीज़ रेडी रहना। तो फिर जो यूँ ही तो वो चुप कर जाते हैं, फिर वो वहाँ से चला जाता है। और सीनियर होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते, कहते कि ना हमें अब बता देना चाहिए अपनी फीलिंग के बारे में, हाँ हमें इंग्लिश से कहना ही पड़ेगा वरना ये ना बहुत देर हो जाए। तो ये बोलते हैं फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर टाइम स्किप होता है नेक्स्ट डे का जैसे, और इवनिंग का तब का टाइम स्किप होता है। और अब जो जिम और जिमिन होते हैं वो योगी को लेके जा रहे होते हैं और बाकी सब अपने अपने काम के लिए गए हुए होते हैं, तो किसी को पता नहीं होता है ये कहाँ गए हैं। तो फिर जिम और जिमिन एक बीच के बीच पे आते हैं और वहाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक टेबल 3 सीट्स की डेकोरेट हुई होती है, और वो इतनी खूबसूरत होती है बहुत, मतलब कि वो व्यू ही बहुत अच्छा हो रहा होता है। और थोड़ा थोड़ा नाइट का व्यू होता है, मतलब सूरज जो था वो जा रहा था, जो सन था और वो जा रहा था, और वो बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है जिसको देख के जो फर्स्ट योगी होता है वो भी शौक हो जाता है और उसको बहुत अच्छा लगता है वो व्यू। और वो ना अचानक फिर जब पीछे जिम और जिमिन की तरफ देखते हैं तो फिर ना जिम और जिमिन फ़ौरन उसका हाथ पकड़ते हैं, एक हाथ जिम पकड़ते हैं, एक हाथ जिमिन पकड़ते हैं, और ना दोनों एक एक हाथ ना योगी के ना चिक पे रखते हैं, कहते हैं योगी हमारे पास सुनो। तो फिर ना जो योगी होते हैं ना उनकी तरफ देख रहा होता है, कहते हैं योगी हमारे पास सुनो, हम तुमसे प्यार करने लग गए, हम तुमसे प्यार हो गया। तो फिर ना योगी ये सुनता है और फिर उन्हें शौक हो जाता है, फिर उसको गुस्सा आ जाता है और जो है ना वो दोनों का हाथ ना एक ही झटके से ना हटा देता और पीछे हो जाता है, कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी ये करने की, कहते योगी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम भी तो हमसे प्यार करते, कहते हाँ बट मैं प्यार करता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझसे ऐसे कन्फेशन करो कि मुझे एक डेट पे लेके आओगे और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम्हारी वजह से मुझे कितना पेन बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन मैं फिर भी एफर्ट्स लगा रहा था इस मैरिज को चलाने के लिए, और यही नहीं मैं तुम्हारे ऑफिस में आया था लंच बॉक्स लेके। ये कहते हैं उसकी आँखें बहुत ज़्यादा रेड हो रही थी, कहते मुझे तुम्हारी केयर थी कि तुम, क्योंकि उस दिन तुम बगैर खाए गए थे और मुझे फिक्र हो रही थी क्योंकि तुमने उस दिन सही से नहीं खाया था, तो मैं कहा कि तुम लोग भूखे रहोगे, मैं तुम्हारे लिए लंच बॉक्स अपने हाथों से लेके आया था फर्स्ट टाइम, क्योंकि पहले मैं बनाता था तो ड्राइवर अंकल के हाथ भेज देता, उस दिन मैं खुद लेके आया, लेकिन तुम लोग तो किसी और के साथ ही बिजी थे खुद और खुद को सेटिस्फाई करने में। तो फिर ना तो फिर ये चिमर चिमन सुन रहे थे और फिर ना उसकी तरफ देख रहे थे, कहते कि ना तो फिर अब तुम लोग मेरे पास क्यों आए, क्या हुआ, मैं वो गर्लफ्रेंड्स कहाँ गई और तुमने इतना ही नहीं हट किया, उसके बाद मैं फुल वन वहाँ से जब मैं रोता हुआ गया तो तुम लोग पीछे भी नहीं आए थे, और उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं 1 वीक तक घर नहीं आया था, उसके बाद जब मैं आया तो तुम लोगों ने मुझे क्या कहा, मैं किसी और के साथ था, वाह ग्रेट ग्रेट कि, तो वो कहते ग्रेट पार्ट जिम एंड पार्ट जिम, तुम लोगों ने मुझे इतना गिरा हुआ समझा और तुम लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, और क्योंकि मैं तुम लोगों से प्यार करता था और तुम्हें पता मैं डिग्रेड करता हूँ तुम लोगों से प्यार करने का, तो तुम लोगों ने मुझे गॉड डिग्रेड बनाया जबकि मैंने तुमसे एक पैसा भी कभी भी नहीं मांगा, मैंने तुम्हें पता मैंने उनसे शादी क्यों की थी, क्योंकि जो तुम्हारी मदर थी उन्होंने मुझे फोर्स किया था, उन्होंने कहा था कि ना तुम्हें से मैरिज करने के लिए, तुम्हें पता है और तुम्हारी मदर और मेरी मीटिंग कैसे हुई थी फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं जब एक दफ़ा जा रहा था तो वो मेरी कार के सामने आ गई थी, तो बाय चांस हमारा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन तब शुक्र है मॉम को ज़्यादा चोट आई नहीं थी, मैं उनको डॉक्टर के पास लेके गया था, तो फिर तब से हम मिलने लगे और हमारे 1 वीक तक आपस में बातें होती रही, तो उसके बाद प्रपोजल रख दिया उन्होंने मैरिज का, तो फिर क्योंकि वो बड़ी थी और फिर ना मैं कुछ कह नहीं सका उनको, लेकिन जब उन्होंने मुझे तुम दोनों की तस्वीर दिखाई थी तो मैं फर्स्ट मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और यकीन करो वो अब मैं रिग्रेट करता हूँ उस दिन जो मैंने तुम लोगों की तस्वीर देखी और शादी के लिए हाँ किया, तो मैं तुम लोगों ने मुझे इतना गिरा हुआ समझा, तुम्हें कैसे लगता है अब तुम मुझसे आके अपना लव कन्फेस करोगे, आउट ऑफ सिंपैथी, और तुम्हें क्या लगता है मैं मान लूँगा तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया, और अब ये जो तुम कर रहे हो ये प्यार नहीं है पार्ट जिम ये सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी है, पिटी है जो तुम लोग मुझे दिखा रहे हो, तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हें सिर्फ गिल्टी फील हो रहा है कि तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया, ये सिर्फ उसका तुम ये कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह हम भूल जाएं और मैं भूल जाऊँ जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि तुम्हें पता चल गई कि जो तुम लोग मुझे समझते थे मैं वो नहीं हूँ, मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ, उनमें से कुछ भी नहीं हूँ मैं, तुम लोग गलत समझते थे, तुम लोग इसलिए मुझे फोर्स कर रहे हो, तुम ये फोर्स कर रहे हो तुम लोग मुझे। तो फिर ना चिमर जिम की बहुत ज़्यादा आंखें रेड हो जाती हैं, उनकी आंखें सुनकर रहे तो ना योगी को देखिए योगी वो यार सॉरी रियली रियली सॉरी। तो फिर ना योगी जो होता है ना वो रोता वो वहाँ से चले जाते हैं, और जो ना चिमर जिमिन होते हैं वही ना अपने नील्स के नील्स पे बैठ जाते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे, और जो योगी होता है वो पैदल ही चल के जा रहा होता है और उसको वहाँ एक क्लब नज़र आता है, वो क्लब में चला जाता है।
एक क्लब में जाता है और फिर ना वहाँ ड्रिंक कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, वो भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तो फिर ना इतना ज़्यादा रो रहा होता है बहुत, तो वहाँ पे ना कुछ लोग होते हैं, मतलब कि ना वो यंगी जो इतना ब्यूटीफुल था, तो उसकी ब्यूटी को देख के ना उनकी आँखों में डस्ट आ जाता है। तो फिर वो यंगी को यंगी के पास जाते हैं और उसको ना गलत वे में टच करने लगते हैं। लेकिन उस वक्त जो यंगी था वो अपनी फुल सेंसेस में था नहीं, लेकिन वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो फिर उससे हुआ नहीं चाहता। और फिर ना कुछ लड़के उसको ना बाहर के बाहर लेके आ जाते हैं, और जो जिमिर जिमिर होते हैं वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। और इस पे फिर हम देखते हैं यूंगी का सीन दोबारा से, तो जो यूंगी होता है वो करने की कोशिश कर रहा होता है। तो फिर वहाँ पे एक लड़का होता है, वो उसके हाथ में ना ये अल्कोहल की बोतल होती है, तो वो ना उसके हाथ से छूट के गिरती है, जिसकी ना ऊँची आवाज़ होती है काफ़ी। और वो ऊँची आवाज़ सुन के जो यूंगी होता है वो अपनी सेंसेस में आता है, और फिर मुझे देखते हैं कि ना वो जो लड़के हैं, चार लड़के होते हैं वो, और वो यूंगी को ऐसे गलत वे में टच कर रहे हैं, मतलब उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूंगी को ये देख के बहुत गुस्सा आता है, और वो उसी टाइम उनके साथ बहुत ज़बरदस्ती फाइट करता है, उन चारों को नीचे गिराता है। और फिर उसके बाद उसके पास एक गन होती है, और उन तीनों को ना उससे फायर कर देता है, उन चारों को। तो फिर ना वो वहाँ से चला जाता है, और वहाँ से वो अपनी गन अपने साथ लेके चला जाता है। और उसके बाद फिर ना उसके पास फिर वापस क्लब में आते हैं, और वहाँ से एक अल्कोहल की बोतल लेता है, और वही पीते पीते ऐसे चल रहा होता है। और फिर ना और मिड नाइट को घर पहुँचता है। अब हम देखते हैं चिमर जिमिन का सीन, ये वो क्या कर रहे हैं। तो चिमर जिमिन बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, और फिर ना जैसे ही खड़े होते हैं, और ना जो उन्होंने टेबल सेट की होती है यूंगी के लिए, वहाँ उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया होता है यूंगी के लिए, वो सारा गिरा दे, हर चीज़ वहाँ की जितनी चीज़ें उन्होंने सब कुछ अपने हाथ से डेकोरेट किया था, तो हर चीज़ तोड़ देते हैं। और वहीं पर फुल उसको डिस्ट्रॉय करके बहुत ज़्यादा रो रहे होते, और ना अब रिग्रेट कर रहे होते कि जो भी उन्होंने यूंगी के साथ किया, तो अब उनको बहुत बुरा लग रहा होता। तो फिर ना वो भी फिर मिडनाइट को घर आते हैं, लेकिन यूंगी के बाद आते हैं। तो फिर वो जाके देखते हैं, तो यूंगी होता है वो अपने रूम में ना बेड के ऊपर, उसने सिर्फ सर रखा और खुद वो फ्लोर पर लेटा हुआ। तो फिर ये देखिए उनके हार्ट में बहुत पेन होता है, और वो आते हैं, और ना यूंगी को ना आराम से ना उसके शूज़ उतारते हैं, उसको ना कंफर्टेबल मतलब क्लॉथ्स में करते हैं, और उनको ना उसको सुला के उस पर ब्लैंकेट करके चले जाते हैं। और उसकी उनकी आंखों से बहुत आंसू निकल रही थी, क्योंकि उन्होंने देखा था जो यूंगी की आई थी वो रेड हुई हुई थी, तो फिर ना उस पर ना ड्राई टीयर्स भी थे उसकी चिक्स पे, तो वो बहुत ज़्यादा गिल्टी होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। और इस तरह फिर नेक्स्ट डे होता है, और जो सब लोग होते हैं ये नोटिस करते हैं तीनों की आई जो फुल रेड रेड है, और ना तो फिर लेकिन ना जो नामजीन टेक और हॉबी वायन होते हैं ये तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जो इनोवा होता है वो मिनहो को इशारा करता है। और उसके बाद फिर ना वो दोनों फिर ना शुगा और यूनजी की तरफ देखते हैं कि तुम लोग इनको कुछ कहो। तो फिर ना जो इनोवा और ना मिनहो होते हैं वो फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद यूनजी के पास जाते हैं, और जो जिम और जिमिन होते हैं उनके पास जाते हैं, यूंजी और शुगा, ओ हाँ यूंजी और शुगा जाते हैं। और फिर कहते कहते तुम तीनों में कोई बात हुई है, कहते हैं नहीं ब्रदर आप ऐसे क्यों कह रहे, कहते तुम्हारी आईज रेड है। तो फिर कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस वो चला गया आँख में, कहते हैं कि ना कल जहाँ तक मुझे याद है तुम लोग डेट पे गए थे, तो क्या हुआ। कहते नहीं वो ना डेट हाँ अच्छी गई थी, कहते कि ना फिर तीनों की आईज क्यों रेड है, कहते कि ना वो राजा कुछ नहीं हुआ बस आप नहीं कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ इस बात पर ज़्यादा गौर ना करें, कोई इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि हम उस साइड पर गए थे ना तो वहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट थी, वो हम बीच पर गए थे ना तो फिर उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ होगा, और ज़्यादा कुछ नहीं है, आप ज़्यादा फिक्र ना करें। कहते हैं अच्छा। और फिर ना वो जाते हैं यूंगी के पास, तो उन्हें इन वो ना जो मिन होते कहते यूंगी तुम्हें क्या हुआ, तो मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर ना इन वो मिन होना ये किचन में होती है, ये तीनों बाकी सारे ना लाउंज में आ चुके थे, तो फिर वहाँ बैठे बातें कर रहे थे। जो यूंगी और शुगा ने पूछी होती है बातें चिमर जिमिन से, वो सबके सामने पूछ रहे होते हैं। तो फिर जो मिन और फिर ना किचन से अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो फिर ना वो जाके देखते तो जो यूंगी होता है ना वो इन वो और मिनहू के ऊपर चिल्ला रहा होता है। तो फिर ना वो कहते तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा है कि कुछ नहीं हुआ, फिर तुम लोग एक ही बात के पीछे क्यों पड़े हो, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा, वो ये कहता है। और फिर अपने रूम में जाते हैं, और उसका दरवाज़ा बहुत जोर से बंद कर देते हैं, और फिर ना वो सारे शौक हो जाते हैं यूंगी का ये बिहेवियर देख के। और फिर वो 10 मिनट्स बाद नीचे आते हैं, और ना उसके फुली रेडी होता है, और उसके बाद फिर वो वहाँ से चला जाता है किसी को भी ग्रीट किए बगैर, वहाँ से चला जाता है। तो सबको ना बहुत बुरा लगता है कि ना और शौक होता है कि ये करो, और जिमर जिमिन की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद जो यूंगी होता है वो इवनिंग में घर आता है, और देखता है घर में कोई भी नहीं है, तो फिर ना वो मेट्स को बुलाते हैं, और फिर उसके फिर ना उनके साथ हेल्प करते हैं, और फिर सबका डिनर रेडी करते हैं, और 7 तक सबका डिनर रेडी हो जाता है, और सब आ भी जाते हैं। और जैसे ही आते हैं तो जो यूंगी होता है वो सबका वेलकम करता है, और बहुत ही प्यारी स्माइल से, और उसके आईज नॉर्मल हो लग रही होती हैं। तो फिर ना वो सारे उसको देख के शो होते हैं, यानी क्या हुआ आप समझ ऐसे कैसे देख रहे हो, अच्छा मैंने सबके लिए सबका फेवरेट डिनर बनाया। तो फिर ना जिन कहते कहते यूंगी तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी, और हमें तुमसे एक बात कहनी है।
तो फिर कहते क्या जिनियो, कहते हम एक्चुअली हम यहाँ से जा रहे हैं। तो फिर ना जो यूंग जो होते हैं उनकी तरफ शौक से देख रहे होते। तो फिर कहते हैं हम मतलब आप और नाम जो नहीं होंगे कहते। तो फिर ना तेरे को कहते हैं नहीं हम भी, और जो हो भी वहाँ होते कहते हैं हम भी। तो फिर ना कहते कि आप मेरी वजह से इनका फटेला होगा। तो फिर ये कह के उसकी आंखों में आंसू आ जाते। कहते नहीं नहीं जिन उसके पास जाते और कहते ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ना कहते फिर आपको आपको बुरा लग रहा है मेरे साथ रह के, कोई बात नहीं आप जा सकते हैं। वैसे बोलते कि नहीं मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको ऐसे तंग किया, मेरी वजह से आप अनकम्फर्टेबल हुआ। नहीं नहीं यूँ यूँ कि हमारे देखो हमें लगता है कि ना तुम सारों में शायद कोई मसला चल रहा था, तुम्हें वो सॉल्व करना चाहिए तुम मेरे कपल में। तो फिर ना यूँगी ना उनकी तरफ देखते हैं, कहते हैं इसलिए आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो फिर कहते हैं नहीं यूँ हम छोड़ के नहीं जा रहे हैं हम बस। तो फिर कहते कि ना हम बिल्कुल ठीक हैं। वो एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहते कहते हमारे बीच में कोई मसला नहीं हुआ है ना जिम जिमिन। तो फिर ना वो ये बोलते हैं, फिर ना चिम और जिमिन की तरफ देखते हैं। तो चिम और जिमिन कहते हैं हाँ यूंग हमें कुछ भी नहीं, कोई मसला नहीं हुआ, हमने बताया ना। तो फिर ना हमारी आंख को हमें डस्ट चली थी जैसे आई हमारी डर डर थी। तो फिर ना वो उनकी तरफ देखते हैं और फिर ना देखते हैं कि ना वो सही बात करते हैं, मतलब तीनों हाँ सब में सर हिलाते कहते कि ना और मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करनी है। तो फिर यूँगी कहते हैं तो फिर ना सारे उनकी तरफ देखते कहते आप क्या परमानेंटली हमारे साथ रह सकते हैं। तो सारे सुन के शौक होते हैं और फिर ना यूँगी की तरफ देखते कहते हैं प्लीज़ कहते कि ना एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से अकेला रहूँ, मैंने आपको जैसे इंटरव्यू में तो आप सब नहीं सुना था, कॉन्फ्रेंस में तो मुझे तो पता है, और अब मुझे एक कंप्लीट फैमिली मिली। और जब हम हमारा फर्स्ट डे था, मतलब जिस दिन हम शॉपिंग में गए थे मैंने आपके साथ इंजॉय किया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ना मुझे सबसे प्यारी और सबसे खूबसूरत फैमिली मिली, वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था। और ये बोलते हैं उसकी आंखों में आंसू आ जाते। तो फिर ना जो जिन होते हैं उसके फॉरवर्ड में डिस्कस करते कहते ठीक है हमें कोई मसला नहीं। तो फिर ना टाइम भी आता है वो यूँगी को हक कर लेते कहते हम तुम्हारे साथ रहेंगी यूँगी। तो फिर ना और जो इन वो मिन होते हैं तो फिर ना उनकी तरफ ना यूँगी देखते कहते आई एम सॉरी सुबह मैंने आप दोनों पर शाउट किया। कहते कोई बात नहीं फ्रेंड्स विन थो सॉरी ना थैंक यू, इस तरह स्माइल करते हैं। और फिर ना यूँगी भी स्माइल करते हैं ना जिम और जिमिन की तरफ देखते हैं तो उसकी जो स्माइल होती है वो फेड हो जाती है, लेकिन ना वो फिर ना दूसरी तरफ देख के फिर स्माइल करने लग जाते हैं। लेकिन ये चीज़ यूँगी और शुगर नोट करते हैं कि ना जिम और जिमिन और यूँगी जिम जिमिन और यूँगी में ना कोई बात ठीक है नहीं, कुछ हुआ है ऐसे। और इसी तरह फिर अब जो होता है जो ट्रैको नामचिन और वायन हो भी ये सारे जाते हैं अपने अपने हाउस से जाते हैं और नेक्स्ट डे और अपना सारा जो भी लगेज जो इनको चाहिए तो वो ले आते हैं और परमानेंटली मेन मेंशन में शिफ्ट हो जाते हैं। जिम जिमिन भी मतलब ये सारे अपने अपने घर जाते हैं और सारे आ जाते हैं। और यूँगी तो पहले से ही याद सारी चीज़ होती हैं क्योंकि यूँगी का ही मेंशन होता है तो उसको ज़्यादा चीज़ों की जरूरत ही नहीं, और अगर थी तो फिर वो उसके जब वो चिम और जिमिन के साथ है तो वहाँ उसकी कुछ ऑफिस की फाइल्स थी सिर्फ उसी की जरूरत थी तो फिर वो भी घर गया होता है। और फिर उस दिन की गुजरता है पूरा दिन ये शिफ्ट करने में, मतलब अपनी चीज़ें सेट करने में स्टफ किया। तो इसी तरह इनका टाइम गुजरता है। और लेकिन जो होता है जिम और जिम लोग ये आपस में बातें नहीं कर रहे होते, बहुत ही अपसेट रह रहे होते। तो फिर ना ये चीज़ नहीं सारे नोटिस करते, लेकिन सबसे ज़्यादा यूंगी और शोगा कर रहे होते। और फिर ना इसी तरह 1 मंथ का भी टाइम गुजर जाता है, लेकिन जो जिम और जिमिन और यूंगी होते उन्होंने अब कोई भी आपस में बात की ही नहीं होती, क्योंकि पहले बातें हो जाती थी बिल्कुल थोड़ी बहुत होती थी लेकिन हो जाती थी, लेकिन अब वो एक दूसरे का इग्नोर कर रहे थे। जिम और जिमिन में भी आपस में कई दफ़ा आर्ग्यू होने लग गई थी जिसके मुद्दे के सारे शौक थे, क्योंकि सारे शौक इसलिए थे क्योंकि टेकोक ने बताया था और टेकोक नाम जिन हॉबीज के ना आज तक जिम और जिमिन आपस में कभी भी नहीं लड़े, और इनके लड़ने की वजह कुछ और ही है। तो फिर इस तरह बोलते हैं, फिर ना असल में उनके लड़ने की वजह ये थी कि ना जो जिम होता है वो कई दफ़ा ना जो जिमिन को कहते कि ना ये सब आपकी वजह से हुआ, आपने कहा था कि ना वो बुरा है, जैसे जैसे आपने कहा था मैं वैसे वैसे पकड़ते गए। तो जिमिन कहते कि तो तुम वैसे थे जैसे मैंने कहा तुमने वैसा किया। तो इनके ना हर दफ़ा ना लड़ाई के मोड जो होता था मेन टॉपिक वो होता था यूँगी के साथ जो इन्होंने किया, तो इस वजह से इनकी कई दफ़ा लड़ाई हो जाती थी आपस में। और इसी तरह 1 मंथ का टाइम गुजर जाता है और फिर ना जिम और जिमिन ना बिल्कुल यूँगी से बात नहीं कर रहे थे, और अगर फोन की कोशिश करते यूँगी उनको इग्नोर करता। तो ये चीज़ यूँगी और शुगा तो सबसे ज़्यादा नोटिस करते हैं और वो सोचते हैं कि ना हमें यूँगी से बात करनी पड़ेगी। और गाइस आने वाली एपिसोड बहुत ही स्पाइसी होने वाली है, मतलब कुछ ऐसे ऐसा लगेगा कि हमारे सरों पे बम फटने वाला है, कुछ इस तरह की होगी। और चलें देखते हैं कि अगली एपिसोड में ऐसा क्या होगा। तो स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।